हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू क्रैक गेट इन लास्ट 20 डेज, कि हम गेट एग्जाम को कैसे क्रैक करेंगे 20 डेज के अंदर। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम किस एग्जाम की बात कर रहे हैं, गेट एग्जाम की। तो सभी को जैसे फुल फॉर्म पता होगा, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो ये हमारा ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग है, और ये कितने मार्क्स का होता है, हमारे 100 मार्क्स का होता है। और हमको पता करना है कि हम 20 डेज में इसको कैसे क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमको बात करनी होगी कि हमारी जो कट ऑफ जाती है लगभग लगभग गेट मैकेनिकल की, कि जो गेट मैकेनिकल की कट ऑफ होती है वो लगभग कितनी जाती है अपन की, अप्रोक्स 33 के पास जाती है। अभी लास्ट टाइम वाली भी 32.96 गई थी, उससे पहले भी 32 के पास गई थी। जब से ये हमारा मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आना शुरू हुए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप सॉरी नहीं कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन आते हैं, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आना शुरू हुए हैं, जब से उसकी कट ऑफ बढ़ गई है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस करें तो उसके बाद हमारा गेट एग्जाम क्रैक हो जाए। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे 3 मैनर में, 3 मैनर में कैसे है हमारा। सबसे पहले यहाँ पे हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और आपका एप्टीट्यूड, जैसे कि आप सभी को पता होगा। और यहाँ पे लास्ट एक चीज आती है इंग्लिश। आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 15 मार्क्स का होता है, और ये दोनों चीज मिला के आपके 15 मार्क्स की होती है, ओवरऑल ये 30 मार्क्स का होता है। इसके बाद जो आपके दो आपके रेस्ट टेक्निकल पार्ट बचता है वो हमारा 70 मार्क्स का पार्ट बचता है, कि अगर आप मैकेनिकल कैंडिडेट हैं तो आपको 70 मार्क्स यहाँ पे लाने पड़ेंगे, 30 मार्क्स यहाँ पे लेके आने पड़ेंगे। यहाँ पे आपके 65 क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर आपके कन्वेंशनल वाले बहुत ज्यादा होते हैं, अप्रोक्स 240 क्वेश्चन होते हैं। बचे हुए 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के होते हैं, जिसके अंदर नॉन कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब जिनको बोलते हैं एमसीक्यूज। जितने हमारे नॉन कन्वेंशनल टाइप मतलब नॉन हमारे जो क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं होते, उनके अंदर हमें नेगेटिव मार्किंग होती है। 1 मार्क्स वाला है उसके अंदर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 2 मार्क्स वाला है उसके अंदर 2/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इंग्लिश मैथमेटिक्स जो आपकी आती है वो बहुत ज्यादा सिंपल आती है, बेसिक मैथमेटिक्स आती है। अगर आपको नहीं पता हो तो जो एसके मॉडल सर है हमारे, उनके आपको ऑनलाइन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे लास्ट ईयर के। अगर आप उनको बेसिकली लगा लें अच्छे तरीके से तो आपका जो एग्जाम है उसके अंदर 15 आउट ऑफ 15 की आप मैथमेटिक्स कर सकते हैं। एप्टीट्यूड और इंग्लिश के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता आपको, कि अगर आपकी एप्टीट्यूड में प्रैक्टिस है तो आप एप्टीट्यूड कर पाएंगे, और इंग्लिश के आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप मैथ इंग्लिश कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे वो समझता हूँ कि आपके जो 15 मार्क्स हैं उसमें से आपके 10 मार्क्स आ जाएंगे, और जो 15 मार्क्स हैं आपके मैथ एप्टीट्यूड और इंग्लिश के उसमें से आप कैसे ना कैसे करके 5 मार्क्स तो लेके आ सकते हैं। यहाँ से आपके 30 में से आपके 15 मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ बात करते हैं आपके 70 मार्क्स के लिए, तो आपके सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। जैसे बात करते हैं स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर से, जैसे आपने पढ़ा हुआ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फिर उसके बाद आपके थियोरी ऑफ मशीन, फिर आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, आपकी डीएमई डिजाइन मशीन एलिमेंट जिसको मशीन डिजाइन में बोल देते हैं। उसके बाद अब जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, फिर वाइब्रेशन आ गई, प्रोडक्शन के सारे सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी थर्मल मतलब कि थर्मोडायनामिक्स, अप्लाई थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद आपकी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन आरएसी और आईसी इंजन। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जैसे हमारे वेटेज है बहुत ज्यादा नहीं है इसका, देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारी ज्यादातर 2 मार्क्स की पूछी जाती है, और उसके अंदर जो क्वेश्चन आता है या तो ट्रस्ट के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर सिंपल क्वेश्चन आता है उसके लिए जाता है, आपको पढ़ना नहीं है। आप लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उनको देखिए, उसके अंदर आपका आई सेंटर की प्रॉब्लम हो गई, सॉरी आई सेंटर नहीं, आपकी जो प्रॉब्लम है वो किसकी, आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रॉब्लम हो गई, सेंट्रोइड की प्रॉब्लम हो गई, वैसी प्रॉब्लम यहाँ पे पूछी गई, तो आप उनके क्वेश्चन देखिए। थियोरी ऑफ मशीन आपकी 4 मार्क्स की आती है, और 4 मार्क्स की आपकी वाइब्रेशन मिला के आती है, टोटल 8 मार्क्स की आती है, और जो आपकी वाइब्रेशन आती है वो आपके सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला वाइब्रेशन पूछा जाता है, तो वाइब्रेशन भी आपकी टफ नहीं आती। तो यहाँ पे आप थियोरी ऑफ मशीन में गियर ट्रेन करके चले जाएं, या फिर आपका बेसिक लोअर पेयर हायर पेयर वाले क्वेश्चन कर लें, बैलेंसिंग और गवर्नर कर लें, तो उससे आपका ये पार्ट हो जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फ्लूइड मैकेनिक्स आपकी 10-10 मार्क्स की आती है अप्रोक्स। तो अगर मैं बात करूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका सबसे ज्यादा मतलब सिंपलेस्ट वाला पार्ट होता है, इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से एज कम्पेयर टू एफएम। और आपको मैं बता दूं कि एचएमटी से सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं हीट एंड मास ट्रांसफर के ऊपर। तो आपके ऊपर देखिए बेसिक चीज ये है कि अगर आप एग्जाम के अंदर जो फाइट करने की कुछ सोच रहे हैं, वहां पे एग्जाम के अंदर अगर आपके बेसिक कंसेप्ट आपको पता है, आपको फॉर्मूला पता है उस चीज से रिलेटेड,
तो आप वहां पे जाके आपको कुछ नहीं होगा, जितने भी आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, अगर आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, तो आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। 30 मार्क्स लाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मेड इजी की एक हैंडबुक करके आती है, मेड इजी की हैंडबुक करके आती है, आप अगर उस हैंडबुक के अंदर जितने भी फॉर्मूला है उन फॉर्मूला को आप एक बार याद कर लो, और उसके अंदर जो नोट वाले पॉइंट्स दिए हैं उनको एक बार आप देख लो, तो आपको जो बन मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जैसे कि आपको पता होगा कि डीएमई के अंदर आपका सिर्फ स्पर गियर पूछा जाता है, हेलिकल गियर और इनकी डिजाइन वगैरह कुछ पूछी नहीं जाती, बॉल बेयरिंग से क्वेश्चन प्रॉब्लम पूछी जाती है, तो इतने ज्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं आती। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका प्रोडक्शन, जो कि आपकी लगभग 20 मार्क्स की प्रोडक्शन आती है, जिसके अंदर आपका कास्टिंग हो गया, कास्टिंग आपकी 4 मार्क्स की आती है अप्रोक्स, वेल्डिंग हो गया, वेल्डिंग आपके 2 या 4 मार्क्स की पूछी जाती है आपकी। इसके बाद देखिए कास्टिंग, वेल्डिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर भी बहुत सारे पार्ट होते हैं आपके, जैसे कि मैंने बोला पार्ट सीपीएम हो गया, आपकी इन्वेंट्री हो गई, फोरकास्टिंग हो गई। इन जैसे मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपको कि जो आपको उसी से पता पड़ेगा कि लास्ट ईयर के बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके रिपीट नहीं हो रहे हैं। आपको ये एनालिसिस करना होगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा। देखिए यहाँ पे मैंने मटेरियल साइंस नहीं लिखा था, क्योंकि मटेरियल साइंस का क्वेश्चन कभी 1 मार्क्स का आता है, या फिर कभी आता ही नहीं है, या फिर कभी 1 मार्क्स का आ गया, या कभी आया नहीं। तो ये चीज है कि जो जिन जिन सब्जेक्ट का वेटेज नहीं आ जाता, तो आप उनको पढ़ने से कोई आपको फायदा नहीं है। जैसे अगर मैं बात बोलूँ कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर का, जैसे कि यहाँ से साइकोमेट्रिक के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, साइकोमेट्रिक का क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का 100% आएगा वहाँ पे। तो आपको आरएसी अगर पढ़ने बैठ रहे हो, तो आप साइकोमेट्रिक ही पढ़ो, ये नहीं कि आप कोई दूसरी चीज उठा के पढ़ना शुरू कर दो वहाँ पे। जैसे मैंने बोला कि अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स की बात करूँगा, तो गैस टरबाइन और वहाँ पे आपके रैंकाइन साइकिल के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो आप जब भी अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो, तो यहाँ पे गैस टरबाइन रैंकाइन साइकिल की जितनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है वो जाके देखो। सेम चीज अगर देखो प्रोडक्शन की बात, जैसे मैंने कास्टिंग बोला, वेल्डिंग बोला, इसके बाद और बहुत सारे जैसे कि मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गो गेज और नो गो गेज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। तो आपको ये देखिए एक चीज, एक मैंने जैसे बताया कि आपको बेसिक चीज आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उस जगह पे जाके आपका क्या माइंडसेट है। उसके लिए आपको जब लास्ट 20 डेज बच रहे हैं, उसमें आप लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए उनको लगाइए। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर रखी है, तो आप मेड इजी की या फिर आपकी एस की या फिर गेट फॉर्म की आप जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपका एक बेसिक आइडिया पता लगेगा। पर ये आप जब भी लगाना कि जब आपने कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रखी हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, वरना नहीं करिएगा। तो अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने अभी जैसे स्टार्ट किया है थ्योरी ऑफ मशीन के गेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, उसी तरीके से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, जब तक गेट एग्जाम आएगा उस टाइम तक मैं कंप्लीट कर दूंगा 2-3 सब्जेक्ट को, तो आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ देखते रहिएगा टेक्निकल क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।